तो चलिए आज बनाते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में एक बहुत ही शानदार कढ़ी। थोड़ा सा अलग तरीके से बनती है लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक कप कर्ड लिया है, उसको एक बॉल में मिक्स करेंगे हम। ये देखिए दही को हमने ले लिया, फ्रेश दही लिया है, ज़्यादा खट्टा दही लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल दही भी चल जाता है। और अब इसमें डालेंगे पानी, ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमने मथना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें किसी तरह के भी कोई लम्स ना रह जाएं। आप सभी का स्वागत है बियॉन्ड रेसिपीज में, मैं हूं सुमित कपूर। हमेशा की तरह मेरे साथ है मेरे प्यारे मम्मी जी, जो कि आज बना रहे हैं केरला स्टाइल में एक झटपट बनने वाली कढ़ी। अगर आप बेसन की कढ़ी खाते हैं पंजाब साइड या हमारे पूरे उत्तर भारत में, तो दक्षिण भारत में इस तरह से भी ये कढ़ी बनाई जाती है। बहुत ही डाइजेस्टिव होती है, बहुत लाइट होती है, कभी भी इसको आप बना के खा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दही को बहुत अच्छे से मथना है, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। दही हमारा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये नारियल लिया है, नारियल को हमने इस तरह के पीसीज में काट के रख लिया है, और साथ में लिए हैं दो हरी मिर्ची। इसको हम मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। मिक्सी का जार है, इसमें हम इसको डाल देंगे नारियल को, और साथ ही डाल देंगे इसमें क्यूमिन सीड, यानी कि जीरा। इसको हमने बिना पानी के एक चक्कर लगाया इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा हम नारियल में थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमें इसकी फाइन कंसिस्टेंसी का पेस्ट तैयार करना है। तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें। तो ये देखिए हमारी नारियल का पेस्ट अच्छे से तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई आ गई है, तो सबसे पहले इसमें हम दही का मिक्सचर ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे दही, और इसमें डाल देंगे टर्मरिक यानी कि हल्दी, और तुरंत इसको अच्छे से हम हिलाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको बहुत अच्छे से इसको हिलाना है, बहुत ही डाइजेस्टिव है दोस्तों, बहुत हेल्दी है, इसको आप कभी भी आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब आपने इसको डालना है तो इसको तुरंत आपको अच्छे से चलाना है ताकि हमारा दही फट ना जाए। इसको पहले अच्छे से हिलाना है, यहाँ पे नारियल का पेस्ट इसमें डालेंगे। चलिए इतना काफ़ी है, नारियल का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह की रेसिपीज को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तब तक अब ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया, इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम शुरू करते हैं इसकी टेम्परिंग, जिसके लिए हमने नारियल तेल यहाँ पे पहले से गर्म करके रख लिया है। ये देखिए दोस्तों, पहले इसको हल्का सा गर्म होने देंगे, तब तक हम अपनी इस कढ़ी को भी देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पिंच ऑफ हींग, हींग डाल देंगे इसी की दही के बीच में डाल देंगे। ये डाल दीजिए हमें, ये देखिए हींग को डाल दिया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है हींग डालने से, डाइजेस्टिव भी रहती है, टेस्ट भी फ्लेवर भी बड़ा अच्छा रहता है। दही में ही डाल दीजिएगा इसको, आप तड़के में मत डालिएगा, जो तड़का हम लगाने वाले हैं उसमें नहीं, आप इसको दही में ही डाल दीजिए। चलिए अच्छे से देखिए मिक्स हो गई है, इसको दो मिनट पकने के लिए छोड़ते हैं, तब तक हम तड़का लगाते तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पे नारियल तेल हमने गर्म करके रख लिया है, उसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, और साथ ही डालेंगे इसमें दो साबुत लाल मिर्ची, उसके साथ ही उसमें डालेंगे फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथे, और साथ ही डालेंगे इसमें कोरिएंडर सीड्स, साबुत धनिया, मिक्स करेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे सारे जो रॉ मसाले हैं वो अच्छे से तड़क रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम करी लीव्स यानी कि मीठी नीम, उसके साथ ही डालेंगे इसमें जिंजर यानी कि अदरक, और साथ ही डालेंगे इसमें गार्लिक यानी कि लहसुन, अच्छा सा मिक्स देंगे। साथ ही साथ अपनी करी को भी देख लेते हैं, करी भी हमारी हो रही है, तो यहाँ पे इसको अच्छा सा मिक्स देते हैं। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम ये प्याज, यहाँ पे हमने सांबर अनियन का इस्तेमाल किया है, आप जैसे नॉर्मल प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस करी के घोल में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, ये देखिए नमक डाल देंगे। चलिए नमक भी डाल दिया है, तो
टेम्परिंग को हम ट्रांसफर करेंगे इस हमारी करी में। ये देखिए दोस्तों, चलिए इसको देते हैं बढ़िया सब मिक्स। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो चुकी है हमारी शानदार साउथ इंडियन स्टाइल की ये बेहतरीन कोकोनट कड़ी। इसको आप ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशंस बेल आइकन में ऑल बटन प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।